देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं बोकारो के हवाई अड्डा से दिनेश कुमार पांडे। मैं बता दूं कि बोकारो जिला प्रशासन जो है कोविड के खतरा को देखते हुए 20 लाख लोगों को इंजेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अभी हम 50% यानी 10 लाख लोगों को ही टीका बोकारो में दिया जा चुका है। लेकिन अभी भी टीका का घोर संकट है, जिसके कारण जो है काफ़ी ही धीमी गति से टीका का रफ्तार पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। लिहाजा लोग हर रोज़ टीका केंद्रों पर जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। बोकारो में कुल 4 लोग अभी भी पॉजिटिव हैं और अभी भी लोग जो हैं विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि जिला प्रशासन लोगों से बार बार सावधानियां बरतने की अपील करता रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब दुर्गा पूजा है और दुर्गा पूजा में स्वाभाविक है कि बाज़ारों में भी खरीदारी को लेकर के भीड़ भाड़ हो जाते हैं या फिर पूजा को देखने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ऐसी स्थिति में लोगों से लाइव लगातार भी बार बार अपील करते रहा है कि आप सावधानियां बरतें, मास्कों का उपयोग करें और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। लेकिन इन तमाम दावेदारी जो जिला प्रशासन की जो दावे हैं, जो जिला प्रशासन लोगों से बार बार जो अपील कर रही है, लेकिन लोग जो हैं यहाँ के अभी भी सतर्क नहीं हैं और लापरवाही धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है वैसे वैसे लापरवाही भी बोकारो के लोग बरत रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है। जिला प्रशासन की अगर मैं बात करूं और पुलिस प्रशासन की बात करूं तो पुलिस प्रशासन लगातार मास्क चेकिंग अभियान से लेकर के कई तरह के अभियान चला रही है और जिला प्रशासन भी बार बार लोगों से हर रोज़ अपील करती रही है। इसके बावजूद भी लोग जो हैं इस मामले को लेकर के काफ़ी गंभीर नहीं है, लिहाजा इसका खामियाजा बोकारो वासियों को भुगतना पड़ सकता है। बार बार हम अपील ये भी करते हैं कि आप सावधानी बरतें और लोगों से भी सावधानियां बरतने की अपील करें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।